संदीप सिंह एक दहशत है, एक खौफ है, और उसके ड्रैग फ्लिक के चर्चे सिर्फ भारत में नहीं विश्व में है। ड्रैग फ्लिक के साथ साथ उसमें बहुत पावर है, बहुत सरल स्वाभाविक और संयम वाले खिलाड़ी हैं। मैं हूं संदीप सिंह। इंडियन हॉकी टीम का ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह द्वारा अच्छा ड्रैग फ्लिकर, कोई गलती नहीं, बेहतरीन ड्रैग फ्लिक टांगों के बीच में से। Here needs a good drag flick, gets it in the head of the stick and in the back of the goal. There's one back for the Mumbai magicians. संदीप सिंह एक दहशत है, एक खौफ है किसी भी प्रतिपक्षी डिफेंडर के लिए, और गोलकीपर्स तो दुआ करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, चाहे गोल हो जाए पर पेनल्टी कॉर्नर ना मिले, क्योंकि जिस तीव्र गति से वो बॉल को मारते हैं, ड्रैग फ्लिक लगाते हैं, वो गोलकीपर को आतंकित कर देता है। That's where Sandeep Singh can make such a huge difference to your team. One shot corner. His drag flick speed is outstanding. He has the opportunity to get a goalkeeper wrong-footed, which is also an important thing. So when you get a goalkeeper wrong-footed and you have the speed, then it's very difficult for a goalkeeper to stop your balls. Sandeep Singh dwara acha track flick aur koi galti nahi. Sandeep Singh India ke nahi duniya ke behtareen ek track flicker hai. Sabse badi unki cheez ye hai ki wo ab jo over the period unhone jo seekh liya hai ek drag ke sath placing karna, वो गोलकीपर के फर्स्ट रसर के जो मूवमेंट देखकर जो प्लेसिंग करते हैं, मेरे ख्याल से वो एक लाजवाब चीज़ उन्होंने डेवलप किया लास्ट टू इयर्स में। बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी संदीप सिंह आप देख सकते हैं। ड्रैग फ्लिक के साथ साथ उसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, जिसके माध्यम से वो अपने अबो शोल्डर्स की पावर से ड्रैग फ्लिक को बहुत अच्छी उसकी परसेंटेज है कन्वर्शन रेट। इंजेक्शन कम्स इन, संदीप ओवर द बॉल, फ्लिक्स इट हार्ड एंड इट टू द बैक ऑफ द नेट। हॉकी की दुनिया ने संदीप सिंह के इस बेहतरीन ड्रैग फ्लिक की पहली गूंज सुनी 2004 के जूनियर एशिया कप में। यहां भारत ने खिताब पर कब्जा किया और संदीप बने टूर्नामेंट के सबसे बड़े गोल स्कोरर। उनके कैरियर में सबसे यादगार पन्ने की तरह जुड़ा 2012 का ओलंपिक क्वालिफायर का फाइनल मुकाबला। फ्रांस के खिलाफ मिली इस खिताबी जीत में संदीप ने अकेले 5 गोल किए और भारत 8 साल के बाद ओलंपिक में वापस लौटा। 2012 26 फरवरी को हमारा फाइनल था नेशनल स्टेडियम दिल्ली में ओलंपिक क्वालिफाई राउंड का, और फाइनल में हम 8-1 से जीते थे फ्रांस से, और जिसमें से 5 गोल मेरे थे। मेरा बर्थडे था 27 फरवरी को, और ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे जब हम मैच जीतने के बाद, और मैच जीतने के बाद पूरा स्टेडियम 1 घंटे तक खाली नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ नेशनल एंथम स्टेडियम में बज रहा है और अपने ही होम ग्राउंड में, और आपके कारण वो बज रहा है, आपने वो जीत दिलाई है, तो एक मेरे लिए बिग मोमेंट थी वो लाइफ की। इतिहास गवाह है कि जब जब संदीप सिंह चला है तब तक भारतीय टीम को कोई नहीं रोक सका। मुझे याद है ओलंपिक्स के लिए हम तैयारी कर रहे थे, संदीप सिंह हमारा की ड्रैग फ्लिकर था, और अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस में ट्रेनिंग के टाइम पर जर्मनी में वो इंजर्ड हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई थी। एक अजीब सी मासूमियत सी थी उसकी चोट में कि अब क्या होगा टीम का, वो ये नहीं सोच रहा था मेरा क्या होगा, पर अब टीम का क्या होगा। हम सब सहम से गए थे कि कैसे अब संदीप को ठीक किया जा सके। तो मैं समझता हूँ संदीप सिंह इतना अहम पिलर है, एक ऐसा विश्वास है टीम के लिए, जब जब वो चमकता है टीम खिल उठती है। 14 साल बाद हम जीते थे सुल्तान अजलन शाह, और उस टूर्नामेंट में मैं कैप्टन भी था, हाईएस्ट गोल स्कोरर भी था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। ये मलेशिया में होता है ये टूर्नामेंट, और उस टूर्नामेंट के बाद इंडियन हॉकी का बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ था, ये 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। संदीप ने बहुत प्रोग्रेस किया है ओवर द इयर्स। देखिए हर कोच को ये भी देखना होता है कि मुझे खिलाड़ी की कहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय टीम में कभी भी अच्छा ड्रैग फ्लिकर नहीं हुआ, ड्रैग फ्लिक में जो आयाम दिया, जो नया रूप दिया, वो संदीप सिंह ने दिया। 2010 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, और बिग अचीवमेंट थी, एक
छोटी सी फैमिली से उठना, कैप्टन बनना, फिर अर्जुन अवार्ड लेना, मेरे मॉम डैड को, मेरे ब्रदर को बहुत प्राउड हुआ जब मुझे मिला, क्योंकि एक मोमेंट्स होती हैं लाइफ में कि ऐसे ओलंपिक खेलना और उसके बाद इंडियन टीम का, नेशनल गेम के टीम का कैप्टन बनना और अर्जुन अवार्ड लेना, तो वो मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी मोमेंट थी। संदीप पहली हॉकी इंडिया लीग के रास्ते भारतीय टीम में एक और कमबैक के इरादे से उतरे। अक्सर अपने डिफेंस को लेकर आलोचना का शिकार बनते रहे संदीप की ड्रैग फ्लिक यहां भी सबकी जुबान पर थी। संदीप की टीम मुंबई मैजिशियन लीग में सबसे नीचे रही, लेकिन 11 गोल के साथ संदीप बने लीग के नंबर वन गोल स्कोरर। और टच करके जैकोबी की बाजू को बॉल जो है वो नेट में चलेगी, आप देख सकते हैं। HL में लास्ट ईयर मैं मुंबई मैजिशियन के लिए खेला हूं और मेरे लिए मेन यही था कि मुझे फर्स्ट HIL हाईएस्ट गोल स्कोर प्लस अच्छा परफॉर्म करने का मेरा टारगेट था। काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले मुझे वन ऑफ द बेस्ट कोच रिक चार्ल्सवर्थ से, उन्होंने कहा कि आप एक लॉयन की तरह खेलते हैं। HIL itself जब पहली बार शुरू हुई थी तो बहुत कम लोग इस पर विश्वास कर पाए कि इतनी सक्सेसफुल लीग भारत में हो सकती है। 90-95% लोग यही जानना चाहते थे कि हॉकी इंडिया लीग इतनी सक्सेसफुल कैसे है, तो उसका प्रेशर, टीम में अपनी वापसी बनाने का प्रेशर, इन सारे प्रेशर्स होने के बावजूद भी अगर संदीप सिंह सर्वाधिक गोल स्कोरर हो सकते हैं और बेहतरीन गोल कर सकते हैं तो चुनौती ही नहीं है, उस खिलाड़ी का कोई जवाब ही नहीं है। HIL में लास्ट ईयर का जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था वो अगेंस्ट दिल्ली था। दिल्ली की टीम में मेरा मेन टूर्नामेंट में मेन गोल था जो हैट्रिक थी। अच्छा पुश संदीप सिंह द्वारा, अच्छा ड्रैग फ्लिक और कोई गलती नहीं, इक्का है हुक्म का, इक्का जो है वो संदीप सिंह, ये देखिए बहुत ही पावरफुल फ्लिक थी संदीप सिंह ने, अच्छा पुश कोई गलती नहीं और लगातार तीसरा गोल, और इसी के साथ संदीप सिंह ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बना ली है। यहाँ HIL की फर्स्ट हैट्रिक थी मेरी वो, और वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट थे बिकॉज हमारी टीम 4-3 से लूज़ की थी और तीनों के तीनों गोल मेरे ही थे, और 85% मेरी टीम में मेरे स्कोर थे, और मेरे को यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, और मेरी बेस्ट मोमेंट HIL की लास्ट ईयर की वही थी। संदीप सिंह को भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी का मौका मिला 2009 के पंजाब गोल्ड कप में। इस नई भूमिका में भी संदीप सिंह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। देखिए कैप्टन टीम में बहुत बड़ा रोल है, और कैप्टन ऐसा प्लेयर होता है जो टीम को एक जुट रखता है, एक फैमिली की तरह रखता है, और उसका रोल ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं कैप्टनसी करता हूँ किसी भी टीम के लिए, चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे वो क्लब साइड हो, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता मेरे लिए। मेरे लिए होता है मैं अपनी टीम को सही कमांड करूँ और प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को एक साथ लेके चलूँ। एज अ कैप्टन टीम को साथ रखना चाहते हैं, टीम से बात करते हैं, इंडिविजुअली प्लेयर्स के साथ मैंने उनको देखा है बात करते हुए। सबसे बड़ी खूबी उस खिलाड़ी में यह है कि वो अपने से जूनियर प्लेयर के पास भी जाकर पूछेगा कि आज मैदान पर मेरे से जो गलती हुई है उसके बारे में बताओ और क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं। अगर एक नए खिलाड़ी के साथ उनका कॉम्बिनेशन है टीम में तो वो उसको लेकर कॉन्शियस नहीं होते हैं, बल्कि उस खिलाड़ी के साथ जाकर उससे बातचीत करके अपने कॉम्बिनेशन को ऑफ द फील्ड पहले बेहतर करने का प्रयास करते हैं, फिर ऑन द फील्ड लाते हैं। तो एक अच्छी खूबी है संदीप सिंह में, और ओवर अ पीरियड उन्होंने अपने आप को काफ़ी एस्टैब्लिश किया है और एक मैच्योर प्लेयर हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि संदीप को किसी भी टीम में, चाहे वो JP पंजाब वॉरियर्स हो, चाहे वो हॉलैंड का कोई क्लब हो, या भारतीय टीम हो, या उनका अपना क्लब हो, कहीं भी एडजस्ट होने में कभी कोई परेशानी आएगी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में संदीप सिंह का जन्म हुआ। शाहबाद के लोगों के लिए हॉकी जिंदगी के एक अटूट हिस्से की तरह है। संदीप ने भी एक बार हॉकी स्टिक उठाई तो इसी के होकर रह गए। उन्होंने अपने बड़े भाई विक्रमजीत सिंह की तरह ड्रैग फ्लिकर बनने का फैसला किया। विक्रमजीत 2001 की उस जूनियर भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने भारत को पहली और आखिरी बार वर्ल्ड कप दिलाया। मैं शाहबाद मारकंडा से हूँ जो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में हरियाणा में पड़ता है, और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा हॉकी खेली जाती है। और मैंने 1997 में हॉकी खेलनी शुरू की बिकॉज ऑफ मेरा बड़ा भाई हॉकी खेलता था, उसको देख के मैंने हॉकी खेलना शुरू किया। मेरे बड़े भाई इंडियन टीम में खेले हुए हैं और वो भी एक एज ए ड्रैग फ्लिकर खेले हैं। उनको देखकर मुझे भी लगा कि मैं हॉकी में ड्रैग फ्लिक शुरू करूं। और मेरी वाइफ हॉकी प्लेयर है, मेरा भाभी जी हॉकी प्लेयर है और मेरा ब्रदर हॉकी प्लेयर है। सो हमारी एक फैमिली है हॉकी की। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे भाभी जी ने, मेरे मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। शाहपुर में जितने अच्छे खिलाड़ी हुए हैं वहाँ का एक माहौल, एक एटमोसफियर ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ समय समय पर अच्छे खिलाड़ी आते रहते हैं। और संदीप सिंह ने जैसा मुझे बताया है, देखिए मैदान पर प्रैक्टिस करने हर लोग जाते हैं, पर जिस मैदान पर जाने से आपको सुकून मिले, आपकी इच्छा हो और अधिक प्रैक्टिस करने की, एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, तो मैं समझता हूँ प्रदर्शन अपने आप बेहतरीन होने जाता है और रिजल्ट्स आने लगते हैं। उस लिहाज से संदीप बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको उस मिट्टी से वो उठे हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। 22 अगस्त को मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहा था शताब्दी में, तो मेरे साथ राजपाल सिंह थे। मेरी जस्ट सीट के पीछे एक ASI RPF का बैठा हुआ था। सडनली साउंड आया एक जैसे कुछ ब्लास्ट होता है, तो मुझे ऐसे लगा किसी ने लोहे का आयरन जैसे मतलब मेरे कमर के पीछे डाल दिया होता है। और फील ऐसे हुआ कि जैसे मतलब अभी मेरी दोनों टांगें एट द स्पॉट काम करना बंद कर गई और काफ़ी मतलब पेन हो रहा था। तो राजपाल मेरे पास आया और वो कहता कि बाय मिस्टेक गोली चल गई है और घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मेरे साथ क्या उस टाइम बीत रहा था, बिकॉज पेन रुक नहीं रहा था, ब्लड रुक नहीं रहा था और टाइम भी रुक नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 45-60 डेज के बीच मैं PJ में रहा हूँ और ICU में रहा हूँ 3 weeks। मुझे वेंटिलेटर पर भी रखा गया, पैरालाइज हो चुका था मुझे, और व्हीलचेयर पर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5-6 months। ऐसा था कि मतलब पूरी लाइफ ही जैसे ख़त्म हो गई होती है, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे जितने कोचिज जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे दोबारा फील्ड पे लाने के लिए योगदान दिया। उसके बाद मैं अब्रॉड गया हूँ और मैं अब्रॉड में जाकर ट्रीटमेंट करवा कर आया और दोबारा फील्ड पे उतरा। एक खिलाड़ी जो गोली लगने के बावजूद भी जहां उम्मीद त्याग दी हो दुनिया ने कि ये खिलाड़ी कभी वापसी कर सकता है, वो मैदान पर वापस भी आता है, भारतीय टीम में जगह भी बनाता है और सर्वाधिक गोल भी करता है, उससे ज्यादा जुझारू खिलाड़ी और क्या होगा, इससे ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट और क्या होती। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शॉट कॉर्नर के बारे में, शॉट कॉर्नर का क्या महत्व है हॉकी में, और ड्रैग फ्लिकर क्या होता है, और पुशिंग स्टॉपिंग क्या होती है। जब हमारी पूरी बॉडी अंदर आती है, हमारा जो राइट फुट है टुवर्ड्स साइड लाइन और हमारी एक लेग हमेशा हवा में रहेगी तब तक जब तक हम उसको रोल नहीं करते।